उदयपुर के गोविंदा क्षेत्र में आदमखोर तेंदुए ने अपना सातवां शिकार किया। केलवा का खेड़ा में तेंदुए ने महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आज सुबह घर पर पशुओं को चारा डाल रही थी, तभी घात लगाकर बैठे आदमखोर तेंदुए ने हमला कर दिया। ग्रामीणों में भय का माहौल है और वन विभाग से पकड़ने की मांग की गई है। बता दें कि उदयपुर के गोगुंदा में तेंदुए ने अपना सातवां शिकार किया है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भगवान प्रजापत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान, उदयपुर के गोगुंदा में तेंदुए ने अपना सातवां शिकार कर लिया है, आखिर वन विभाग क्या कर रहा है? एक के बाद एक शिकार हो रहे हैं और वन विभाग कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों? वन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक जो तेंदुआ है वहाँ वन विभाग की गश्त में नहीं आ रहा है। और ये जो पूरा क्षेत्र है यह काफी लंबा जंगल का क्षेत्र है, जहाँ पर जो तेंदुओं की संख्या वह अधिक होने की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लगातार जो है घटनाएं अलग अलग गाँव में हो रही है, क्योंकि जगह में होकर जो पूरा जंगल का जो क्षेत्र है, अलग अलग जो गाँव बसे हुए हैं उन जंगल में वहाँ जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर घटनाएं हो रही है। इसलिए अभी वन विभाग भी जो अधिकारी इस बारे में कहने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि लगातार जो है तेंदुए हमला कर रहे हैं और सात शिकार अब तक कर चुके हैं। इस बार जो है महिला को शिकार बनाया, महिला अपने घर के पास जो खेत था वहाँ पर पालतू जो मवेशी होते हैं उनको जो चारा डाल रही थी, उस समय सुबह की घटना है। आज जो है सुबह जब वो चारा डाल रही थी, घास डाल रही थी, तब यह घटना होंगी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए भगवान।